नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फरीदाबाद में सैनिकों का सम्मान समारोह, विधायक पंडित नीरज शर्मा ने किया सम्मान। ब्रह्म कुमारी संजय एनक्लेव सेवा केंद्र द्वारा आयोजित। यूपी के झांसी में ब्रह्म कुमारी बहनों ने दिया पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त रहने का प्रशिक्षण। सुरक्षा सेवा प्रभाग और स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र का संयुक्त आयोजन। देश भर में शिवरात्रि के निमित्त आध्यात्मिक कार्यक्रम, कहीं झांकी तो कहीं प्रभात फेरे निकाल कर दिया परमात्मा शिव का संदेश। फरीदाबाद में संजय एनक्लेव सेंटर द्वारा वीर जवानों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक पंडित नीरज शर्मा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज के तनावयुक्त जीवन में अगर किसी स्थान पर सच्ची शांति मिल सकती है तो वो ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र है। आगे कार्यक्रम की मुख्य वक्ता बीके ज्योति ने भारतीय सैनिकों के त्याग और देश प्रेम की जमकर सराहना की। इसके पश्चात समारोह में मौजूद आर्मी पैरा कमांडो हंसराज सिंह, बीएसएफ के जवान जगदीश कटारिया, इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह, आईटीबीपी के जवान अमीन अली, राजपूताना राइफल्स के जवान धर्मपाल सिंह समेत कई जवानों को विधायक नीरज शर्मा और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति द्वारा सम्मानित किया गया। चलिए, ये तो रही जवानों के सम्मान की खबर, और अब दिखाते हैं आपको पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त रहने के प्रशिक्षण देने की खबर। दरअसल संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा यूपी के झांसी में 33वीं वाहिनी के पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सुरक्षा सेवा प्रभाग और स्थानीय ब्रह्म कुमारी सत्यम कॉलोनी सेवा केंद्र के सहयोग से आयोजित था, जिसमें सुरक्षा सेवा प्रभाग में मध्य प्रदेश की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके संध्या ने सैकड़ों पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन की संक्षिप्त में जानकारी देते हुए कई एक्टिविटी भी कराई। कार्यक्रम में आगे सत्यम कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रतिभा ने सभी को ब्रह्म कुमारी संस्था के परिचय और गतिविधियों से अवगत कराया। जैसे जैसे शिवरात्रि आने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ब्रह्म कुमारी द्वारा शिवरात्रि के निमित्त आयोजित कार्यक्रमों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं शिवरात्रि से ही जुड़ी खबरें। शुरुआत सबसे पहले गोवा से, जहां पणजी सेवा केंद्र द्वारा मारुति राय मंदिर में 4 दिवसीय आध्यात्मिक झांकी लगाई गई, जिसका शुभारंभ पणजी के पूर्व काउंसलर सूरज कांडे, पणजी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, बीके गीता और बीके निर्मला द्वारा दीप जलाकर हुआ। 4 दिन तक लगी झांकी में साउंड और लाइट सिस्टम द्वारा परमात्मा की दिव्य पहचान देने का प्रयास किया गया। हजारों की संख्या में लोग इसका अवलोकन करने आए, जिनमें से मुख्य रहे बॉलीवुड सिंगर हेमा सरदेसाई और विधायक बाबूश मोहन सराटे, जिनसे भी की बहनों ने मुलाकात की और संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की जानकारी दी। ऐसे ही राजकोट के अवधपुरी, जम्मू और कश्मीर के बीसी रोड और शिमला के सुन्नी में भी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिमला के सुन्नी स्थित ओम शांति सभागार में शिवरात्रि कार्यक्रम का शुभारंभ देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों की स्मृति में कुछ पल मौन रहकर हुआ, जिस दौरान तहसीलदार सुनील चौहान, SHO कर्मचंद ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आगे राजयोग शिक्षक बीके रेवदास और बीके शकुंतला ने निराकार परमात्मा शिव के अवतरण और उनके द्वारा किए जा रहे दिव्य कार्य की सभी को जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा की जा रही सामाजिक सेवाओं की जमकर सराहना की। अब खबर राजकोट की, जहां अवधपुरी सेवा केंद्र द्वारा बर्फ का आकर्षक शिवलिंग बनाया गया। परमपिता परमात्मा की सत्य पहचान देने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू और अवधपुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने सभी को निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव का दिव्य परिचय दिया। इस दौरान वार्ड नंबर 6 के महामंत्री विरम भाई सांभड़, बिल्डर अशोक भाई देसाई भी उपस्थित रहे।
यह कार्यक्रम 3 दिन तक चला, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया। ऐसे ही जम्मू और कश्मीर में बीसी रोड सेवा केंद्र द्वारा रियासी तहसील में आयोजित शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम में रियासी के डिप्टी कमिश्नर चरणदीप सिंह, राजस्व विभाग के सहायक आयुक्त संजय बदियाल शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शिव ध्वज फहरा कर हुई। इसके पश्चात चरणदीप सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सिर्फ अध्यात्म के मार्ग से ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। आगे बीसी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन और वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके रविंद्र ने मनुष्य का वास्तविक परिचय और परमात्मा कौन है जैसे आध्यात्मिक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के कटघोरा, यूपी के हाथरस और पंजाब के फिरोजपुर कैंट में भी शिव ध्वजारोहण कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों की झलकियां। अब कुछ खबरें एक नजर में। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के अंतर्गत राजकोट अवधपुरी सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम सशक्त युवा समृद्ध भारत विषय पर प्रोग्राम। मंत्री अरविंद रेयाड़ी, पुरुषार्थ युवक मंडल के प्रमुख किशोर राठौर समेत कई वरिष्ठ बी के सदस्य रहे उपस्थित। कार्यक्रम में 100 से भी अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा। मेरा उत्तराखंड व्यसन मुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत गोपेश्वर के कई गांवों स्कूलों में आयोजित हुए कार्यक्रम। गोपेश्वर सेवा केंद्र ने किया कार्यक्रमों का आयोजन। मोबाइल वैन द्वारा प्रोजेक्टर शो के माध्यम से लगभग 5000 बच्चों एवं ग्रामवासियों को किया जागरूक। सदा ही नशा मुक्त रहने के लिए मेडिटेशन की दी सलाह। एक अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया और आगे भी जो है पुलिस विभाग को और हम जो है साथ मिलकर जो है काम करेंगे। ग्वालियर के डबरा में अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं नेत्र रोग शिविर का आयोजन। सिम्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ब्रह्मकुमारी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगाया गया शिविर। सिम्स हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन डॉक्टर ओपी शुक्ला, डॉक्टर अजीत गुप्ता समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर्स ने किया लगभग 300 मरीजों का निशुल्क चेकअप। वहीं आनंद सरोवर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सीता ने जीवन में शांति एवं सदा स्वस्थ रहने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास बताया जरूरी। ऐसा ही निशुल्क हड्डी रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन राजस्थान के जालौर सेवा केंद्र पर किया गया। ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर शांतिवन के हड्डी रोग और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर नितिन सुंकू रहे मौजूद। इस शिविर में सभी प्रकार के हड्डी के मरीजों की गई निशुल्क जांच। वहीं पुणे के धनकवड़ी सेवा केंद्र एवं संस्था के चिकित्सा प्रभाग द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरा भारत स्वस्थ भारत पर लगाया गया शिविर। शिविर में लव केयर शेयर के प्रेसिडेंट पीयूष शाह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा समेत कई वरिष्ठ सदस्य रहे उपस्थित। एमपी के सीधी सेवा केंद्र पर मीडिया कर्मियों के लिए स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह, समाज में मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी। कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को किया सम्मानित। महाराष्ट्र के कड़ेगांव में नए आध्यात्मिक केंद्र का भूमि पूजन समारोह। जिला सांगली के भाजपा अध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता समेत शहर के कई विशिष्ट पदाधिकारी रहे मौजूद। भाजपा अध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख ने कहा, समाज को सही दिशा दिखा रही है ब्रह्मा कुमारी संस्था। महाराष्ट्र के कवठे महाकाल सेवा केंद्र द्वारा जीवन को संपूर्ण स्वस्थ बनाने हेतु सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्त विषय पर कार्यक्रम। माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने बताया, तनाव से मुक्ति पाने के लिए सकारात्मक विचारों का होना बेहद जरूरी। वास्तव में जो बीमारी होती है चिंता से, डर से, भय से, कोरोना काल में कई लोग चले गए। क्यों? आधी बीमारी तो डर से, भय से होती है। इसलिए अभी तो कोरोना एक घंटी थी, आगे चल करके पता नहीं कैसे ऐसे जीवाणु निकलेंगे। इस सुंदर अवसर पर कांग्रेस नेता बाला साहेब गुख, माजी नगर सेवक चंद्रशेखर सगरे समेत बीके साधना रही उपस्थित। ऐसा ही कार्यक्रम कासेगांव में स्थानीय सेवा केंद्र पर प्रभु प्रेम में तनाव मुक्त जीवन विषय पर किया गया आयोजन।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को बीके भगवान ने सिखाई खुशहाल जीवन जीने की कला। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।